हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ट्री मेथड। बहुत ही लाजवाब मेथड है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेसिक मेथड पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया रेशियो मेथड, पार्ट 3 में सक्सेसिव मेथड। आज मैं पढ़ाऊंगा ट्री मेथड। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, 4000 पर 10% की दर से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को तीनों मेथड सिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है। लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि ट्री मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है पी कमान 4000, आर कमान 10%, टी 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ रेशियो मेथड, जो कि मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज प्लेलिस्ट में जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उसमें आप लोगों को रेशियो मेथड सक्सेसिव मेथड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो मेथड, अब इसमें क्या पूछा है, 3 साल का। 3 साल के लिए रेशियो मेथड क्या होता है, 3:3:1। अब रेशियो मेथड में क्या करते हैं, अमाउंट आपका 4000 है, तो सबसे पहले 4000 का 10% निकालेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे। 4000 का 10% 400। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 10%, इसका 10% 40 आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 10% 4। ठीक है, सबसे पहले 4000 का 10% निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर 400 का 10% निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर 40 का 10% यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब करना है इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो क्या आ जाएगा, देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 चौक का 1200, यहाँ पे आएगा 40 ने 120, यहाँ पे 4 एकम 4, इन तीनों को जोड़ देना है, आपका निकल जाएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। दौड़ेंगे तो ये आएगा 4221 3 1, ये है आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये है रेशियो मेथड, जो कि मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया है, ठीक है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से लगा के दिखाता हूँ। देखिए सक्सेसिव मेथड क्या है, सक्सेसिव मेथड में क्या देखते हैं, मेन पॉइंट आपका रेट, रेट आपका क्या है, 10%। अब सक्सेसिव मेथड देखिएगा ध्यान से, R बराबर 10%। अब 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100, मतलब 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या है, सक्सेसिव मेथड ये कहता है कि अगर 10 आपका P है तो इस पर 1 क्या है, इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट। R बराबर 10% का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब 10 में 1, ठीक है। अगर आपका P 10 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि 10 पे 1 जो है ब्याज है। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में देखना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट में, आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सक्सेसिव मेथड। यहाँ पे मैं 60 में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए R बराबर 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब है कि 10 में 1। अगर आप लोगों का 10 रुपये मूलधन है तो आपका 11 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्रधन। तो आप लोगों को 3 साल का निकालना है, तो दूसरे साल भी अमाउंट 10 होगा, यहाँ पे 11, तीसरे साल भी 10 होगा, यहाँ पे 11। अब सक्सेसिव मेथड में क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर दीजिए, इन तीनों का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आ जाएगा 1000, ये आपका है P, यहाँ पे आपका आ जाएगा गुणा करने पे 1331, ये है आपका A। अब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब A-P। तो क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में पहले देखिए कि आप लोगों को दिया क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है P का मान। अब यहाँ से आप लोगों का P का मान क्या आया है, 4000, यहाँ से आप लोगों का P का मान क्या आया है, 4000। देखिए अब P का मान क्या है, क्वेश्चन में 4000 है, आप लोगों का आया कितना है, 1000, 1000 बराबर 4000, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 4, 1 का मान 4, तो पीछे आ जाइए, 1 का मान 4 है। तो अब आप लोग बताइएगा आपका अमाउंट आप लोगों को निकालना है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है A-P, ठीक है। तो A आपका आया है 1331, P का मान 1000 आया है, यहाँ से आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट
सक्सेसिव मेथड को अप्लाई करने के बाद 331। अब 331 ये है आपकी यूनिट वैल्यू। तो आपका एक कमांड कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। एक कमांड 4 आया है तो 331 कमांड क्या आ जाएगा, 331 × 4, तो 331 × 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 13। तो यहाँ से भी उतना ही आएगा। देखिए ये है आपका सक्सेसिव मेथड, फिर से देखिएगा। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, आर बराबर 10% है, 10% का मतलब है 1/10, 1/10 का मतलब कि 10 में 1 रुपये ब्याज, 10 में 1 रुपये ब्याज का मतलब अगर आपका पी 10 है तो ए आपका 11 है। आप लोगों को 3 साल के निकालना है तो तीनों साल का 10, 10, 10 पी और तीनों साल 11, 11, 11 आपका मिश्रधन बनेगा। तो अब आप लोगों का यहाँ से जब गुणा कर देंगे तो पी आपका आएगा 1000, ये आएगा 1331। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ए माइनस पी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ए माइनस पी यानी आपका आएगा 331, 331 मान आएगा। तो यहाँ से पहले आप लोग ये बताइए कि पी का मान तो 4000 दिया है और सक्सेसिव मेथड से 1000 आया है, यानी एक का मान 4 है तो 331 का मान क्या आ जाएगा, 1324। तो ये है सक्सेसिव मेथड। अब चलिए फाइनली चलते हैं ट्री मेथड पे। ट्री मेथड है क्या, इसको देख लीजिए। तो ट्री मेथड पर तो देखिए ट्री मेथड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। तो ट्री मेथड है, अगर आपका अमाउंट पी है, पी मतलब मूलधन, आपकी राशि पी है, अब इस पर अगर रेट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको सिंपल सी बात है, अगर आप लोग प्रिंसिपल पर रेट लगाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलता है, SI। प्रिंसिपल पर रेट लगाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, SI दूसरे साल। इस पर रेट लगाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट तीसरे साल, ठीक है। प्रिंसिपल पे आप लोग जब भी रेट लगाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पे रेट लगाएंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, अब सिंपल इंटरेस्ट पे रेट लगाएंगे तो कुछ मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको ए मिला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे रेट लगाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा, तो उसका मान मैंने ले लिया ए। अब यहाँ से देखिए, अगर आप लोगों को पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको क्या मिलेगा, SI जो आएगा वही आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल यहाँ से SI है, A है, दूसरे साल ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तीसरे साल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तीसरे साल इस पर भी रेट लगेगा, इस पर भी रेट लगेगा, ए मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है, और इस पर भी रेट लगेगा, इस पर रेट लगेगा। तो मान लीजिए इसका मान दिया गया, तो ये तीसरे साल जो बनेगा वो आपका बनेगा SI, ए जोड़ेंगे 2A आएगा प्लस B, यानी तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आएगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट, फिर से देखिएगा। तो देखिए ट्री मेथड क्या है, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है P। अब प्रिंसिपल पर जब भी आप लोग रेट लगाएंगे, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो आप लोगों को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पर जब भी रेट लगाएंगे आप लोगों को क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये है तीसरे साल का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट पे रेट लगाएंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ब्याज पे ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ मिलेगा, ए मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अगर आप लोगों को पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तब तो आप लोगों का जो SI आएगा वही आप लोगों का आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो दूसरे साल का बनेगा SI प्लस A, ये है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिएगा, इस पर भी रेट लगेगा, A मिलेगा, इस पर भी रेट लगेगा, A मिलेगा, और इस पर भी रेट लगेगा, तो मान लीजिए B मिल गया, तो आप लोगों का तीसरे साल का क्या बनेगा, इन सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा SI 2A प्लस B। तो ये है तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये है आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है दूसरे साल का, और ये है तीसरे साल का, ठीक है। अगर आप लोगों को तीनों सालों का निकालना है तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको दो साल का निकालना है तो इसको इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए
मैं क्वेश्चन को हल कर लेता हूँ ट्री मेथड से। तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका, पी अमाउंट 4000 है, तो पी आपका क्या है 4000, ठीक है। अब इस पे अगर रेट लगाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ये है 400, 3 साल का है, फिर निकालेंगे इस पे 10% रेट लगाएंगे तो फिर मिलेगा 400, और फिर से मिलेगा यहाँ पे 400, ठीक है। तो ये है 3 साल का, जब भी प्रिंसिपल पे आप लोग रेट लगाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए फिर अब क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस पे भी रेट लगाना है, इस पे अगर 10% रेट लगाएंगे तो क्या मिलेगा 40, ठीक है। तो आपका पहले साल का क्या हो गया, पहले साल तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये है आपका पहले साल का। दूसरे साल का क्या होगा, 400 प्लस 40, दूसरे साल क्या आ गया 440, ये हो गया दूसरे साल का, ये हो गया दूसरे साल। अब तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल आपको ध्यान से देखिएगा, तीसरे साल इस पे भी रेट लगेगा, इस पे भी रेट लगेगा, यानी इस पे रेट लगेगा तो क्या आएगा 40, इस पे रेट लगेगा तो आपके क्या आएगा 40, और तीसरे साल इस पे भी रेट लगेगा तो आपका क्या आ जाएगा 4। तो अब इन तीनों को जब जोड़ देंगे, इन सबको जोड़िए, ये आएगा 4, ठीक है, 4 4 8, यहाँ से 4 बच जाएगा, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये है आपका तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आप लोगों को निकालना है तीनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीनों सालों का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, 400 यहाँ से आया है, दूसरा 440, 484 जोड़ दीजिए, 4 8 4 12 यहाँ पे आ जाएगा 13, देखिए वही आ रहा है। तो आप लोगों को जो भी मेथड अप्लाई करना है वो मेथड अप्लाई कर लीजिएगा, आप लोगों का हल हो जाएगा। जो आप लोगों को मेथड अच्छा लगे उसको ही अप्लाई करिएगा। अगर आप लोग एक बार ट्री मेथड सीख गए तो आप लोगों को यही मेथड सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि ट्री मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना है पी का मान। अब यहाँ पे दिया है आर टी दो ईयर, यहाँ पे दिया है सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का दिया है 210, यहाँ पे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यहाँ पे दो साल का नहीं, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है 210। अब यहाँ पे तो पी ही गायब है, तो अब आप लोगों क्या करेंगे, इसमें ना तो लगेगा आप लोगों का रेशियो मेथड, ना तो लगेगा सक्सेसिव मेथड, ये सवाल आप लोगों को लगेगी ट्री मेथड से। तो देखिए ट्री मेथड कैसे लगाएंगे इस सवाल में, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप लोगों को ट्री मेथड अप्लाई करना है तो सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को पी पता होना चाहिए, पी पता होगा तभी ना उस पर रेट लगाएंगे, जब पी आप लोगों का पता हो जाएगा तब उस पर ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। तो पी आप लोगों का कैसे पता होगा, अब आप लोग आ जाइए रेट पे, सक्सेसिव मेथड अप्लाई कीजिए, देखिए आप लोगों का पी निकल रहा है, ये क्या है 11 सही 1/9%, ठीक है 11 सही 1/9% है ये, देखिए इसको लिख सकते हैं 11 99 99 100, 100/900 लिख सकते हैं इसको, परसेंट है 900 आ जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 1/9, यानी आपका रेट क्या आ गया, रेट आ गया 1/9, 9 पे 1, यानी पी आपका अगर 9 है तो ए आपका क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 9 पे 1 रुपये क्या है रेट बराबर 1/9 का मतलब क्या है 9 पे 1 रुपये ब्याज, यानी पी आपका 9 है तो ए आपका 10। दो साल का निकालना है तो दूसरे साल भी 9, दूसरे साल ये भी 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें उड़ा इसका इसमें उड़ा, तो क्या आ जाएगा 81 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100, ये है आपका पी, ये है आपका ए, ठीक है पी ए आपका निकल गया, ठीक है पी आपका क्या आ गया 81, यही आपको निकालना था। जब ये आपका निकल गया तो आप लोग ये वाला ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्री मेथड अप्लाई कर दीजिए, अब देखिए ट्री मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, 81 क्या है आपका पी, पी पे जब रेट लगाएंगे रेट आपका क्या है 11 सही 1/9, यानी 1/9 आएगा, 81 का 1/9 करेंगे तो आपका क्या आएगा 9 आएगा, दूसरे साल भी 81 का 1/9 करेंगे तो आपका क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, जो पहले साल आएगा वही आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, लेकिन दूसरे साल क्या होगा,
दूसरे साल क्या होगा, आप लोगों का ब्याज पर ही ब्याज लगता है, ठीक है। ये 9 तो रहेगा ही, आप लोगों का 9 का 1/1, 9 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो दूसरे साल आपका क्या आ जाएगा, 10। फिर से देख लीजिए, जैसे 81 है, इस पर रेट लगाएंगे आपका क्या मिलेगा, 9। इस पर रेट लगाएंगे आप लोगों को क्या मिलेगा, 9। तो दो साल का आप लोगों को निकालना है, दूसरे साल का निकालना है, यानी आप लोगों को क्या करना होगा, इस पर भी आप लोगों को निकालना होगा। तो 9 का 1/9 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 आपका क्या आ गया, दो साल का, दूसरे साल का क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यही आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 210। अब यहाँ से दूसरे साल का क्या आया है, 10, यानी 10 का मान क्या आ गया, 210 के बराबर। 10 का मान 210 के बराबर है, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 21। 1 का मान जब 21 हो गया, तो आप लोगों को निकालना क्या है, पी का मान। पी का मान था 81, अब 81 में 21 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, अब 21 का 81 में गुणा कर लीजिए, 21 एक कम 21 को 1, 2 बचेगा, 21 अट्ठे 168, 168 में 2 जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा 1701। तो यही आपको क्वेश्चन में निकालना था, पी का मान। पी का मान क्या आ गया यहाँ पे, 1701। तो देखिए, ये है आप लोगों का ट्री मेथड, ठीक है। तो ट्री मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब भी आप लोगों को अब अमाउंट इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ठीक आएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो आप लोगों का अगर आप लोगों ने सक्सेसिव मेथड पढ़ाया तो आप लोग पी निकाल लेंगे, 11 से 1/9, यानी आपका ये है आपका 1/9। 1/9 का मतलब क्या है, 9 पे 1 रुपये ब्याज, यानी पी आपका 9 है तो ए आप अमाउंट आपका हो जाएगा 10, मे से धन 10, ठीक है। दो सालों का है, गुणा कर देंगे, पी का मान आ जाएगा 9×81 और ए का मान 100, तो पी का मान आप लोगों का 81 आ गया। अब पी का मान जब पता हो गया तो उस पर आप लोग लगा देंगे क्या, ट्री मेथड। अब ट्री मेथड अप्लाई कर दीजिए, 81 का पहले साल का रेट लगाएंगे 1/9, यानी 81×1/9 तो आपका आएगा 9, दूसरे साल भी 9 ही आएगा। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उस पर ब्याज पे ब्याज, यानी 9 का 1/9 करेंगे तो आपका 1 आएगा, 9×1=10, यानी दो साल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आप लोगों का, 10। दूसरे साल का 10, और क्वेश्चन में 10 का मान 210 है, क्योंकि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे 21, आप लोगों को निकालना है पी का मान, 81 का मान, 81×121, तो 1701 आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये था आप लोगों का ट्री मेथड, आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन के साथ।